सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा है यार कि आखिर क्यों मैंने इस 390 को लिया जबकि मेरे पास एक और ऑप्शन था जो कि है जस्ट अभी अभी BMW ने जिस ब्रांड से अडॉप्ट किया है अपाची RR310, तो वो भी था जो कि BMW का ब्रांड वैल्यू लेकर के आ रहा था अपने पास, जो कि RR310 ही है और उसमें इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत फेयरिंग दी गई है। खैर, इसमें तो फेयरिंग आती ही नहीं है, बस ऐसे ही कुछ डाल दिया गया है पार्ट्स ताकि ये बाइक थोड़ी सी डायनामिक्स को, एयर डायनामिक्स को अचीव कर सके, वरना तो भाई साहब बेतहाशा जो इसमें एयर ड्रैग होता। खैर, आते हैं मुद्दे पर कि आखिर मैंने क्यों इसको लिया, वो BMW क्यों नहीं लिया। देखो, सच बताऊँ तो मैं सबसे पहले BMW के शोरूम पर ही गया था और वहाँ पर भी हम लोगों ने इसको कोट किया कि आखिर BMW कितने की पड़ेगी। तो वहाँ पर यार उनका जो, सच बताऊँ तो उनका जो रवैया था ना, आज मेरे पास BMW ही होती लेकिन उनका जो रवैया था वो रवैया कुछ ऐसा था कि ये BMW है, बहुत प्रीमियम बाइक है, इसे बड़े लोग ले सकते हैं। और एक चीज़ कि उन्होंने ITR मांग लिया था। ITR जिनको नहीं पता, गूगल कर लेना। अब यार ITR कौन दे सकता है? हम लोग अभी छोटे छोटे बंदे हैं यार, यूट्यूब से कमा कमा करके बाइक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ITR हम लोग को भरना नहीं पड़ता। ITR कौन भरता जानते हो? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वही लोग ITR भरते हैं कि हाँ हमारा इस साल इतने का टर्नओवर हुआ, इतने का मैंने ITR फिल किया। तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपये का ITR होगा तब जाके आप BMW की G310 RR खरीद सकते हो, लेकिन वो नहीं था। दूसरी चीज़, उन्हें श्योरिटी चाहिए होती है कि कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा। भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब अगर होती तो यूट्यूब पर होते, और अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो BMW की RR310 खरीदते। नहीं ना, क्या खरीदे जानते हो? पल्सर खरीदते या अपाची खरीदते, क्योंकि वही मेरे पापा के पास है, जो कि मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस में है। ठीक है, तो यार पापा के लिए तो मैंने ऑलरेडी पल्सर खरीद करके रखा हुआ है, उनको दिला करके रखा हुआ है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन यार खुद एक बंदा जो स्टूडेंट लेने जाए, तो उसको अगर आप ये बोलते हो कि बहुत प्रीमियम बाइक है, आप BMW को नहीं ख़रीद पाओगे, वो समझ में नहीं आया। हम लोग लेने तो गए थे लोन पर फर्स्ट टाइम BMW में, सोचा लोन करा लेते हैं, फालतू में इकट्ठे इतना पैसा देना सही नहीं होगा। दोबारा दिमाग में आया कि नहीं, इनके भाषा, इनका बात करने का तरीका ऐसा नहीं है कि इनसे बाइक लिया जाए। हम लोगों ने उस शोरूम को छोड़ा, लखनऊ में था वो शोरूम, एकमात्र शायद शोरूम भी है लखनऊ में, तो हमने उस शोरूम को छोड़ा और वापस आ गए घर। और उसी के 2-3 महीने का इंतज़ार करने के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई साहब लेना है तो कैश में लेना है, और जब भी लेंगे तो डायरेक्ट कैश पे करके ही लेंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ नया आ जाए किसी और ब्रांड में तो देख लेते हैं। आखिर में कुछ नया नहीं आ रहा था, आया भी क्या, तो इसका ये नया कलर जो कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बहुत ज़्यादा इसकी रीच आई और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बाइक के कलर वेरिएंट को पसंद किया। तो उसी बीच हम लोग को ये जैसे ही दिखी कि 10-5 दिन हुए रहे होंगे इस बाइक को लॉन्च हुए, इस कलर वेरिएंट को लॉन्च हुए, तो हम लोग शोरूम पर सिंपली पहुँच गए भाई साहब। और पहुँचने के बाद इसकी, पहुँचने से पहले ही मैंने इसकी बुकिंग करवा दी थी, घर से ही 5,000 रुपये पे करके इसकी बुकिंग कम्प्लीट हो गई थी। और नेक्स्ट डे मुझे इस बाइक को लेने जाना था, वहाँ पर ये बाइक अवेलेबल थी, दूसरे शोरूम से मंगा के वहाँ ला दिया गया था। तो वहाँ पर ये हो गया कि भाई साहब आप ले जाइए, मैंने कहा लोन वन, तो उन्होंने कहा आप 50,000 रुपये भी दे करके बाइक को लेके जा सकते हो और जितना चाहे उतना पे करके। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, मैंने कहा ITR, तो कहा नहीं भैया हमारे यहाँ ITR नहीं लिया जाता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो प्रूफ कर सके कि आप एक इंसान हो और आप जेन्युइन हो और आप बाइक खरीद सकते हो। ध्यान रहे BMW इससे थोड़ी सी सस्ती ही है, ये उससे ज़्यादा महंगी है, लेकिन उसके बावजूद इनका जो बोलने का, बात करने का रवैया था वो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बजाज है इसके साथ और बजाज के वैल्यू पर ये बाइक है, तो जो बजाज कहेगा वही इनको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से वहाँ पर मुझे क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जाना था, नेक्स्ट डे गए तो डायरेक्ट पेमेंट हुई, और पेमेंट भी ऐसे हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ, डायरेक्ट पेटीएम से इस बाइक को पेमेंट में लिया गया है। बहुत से लोग बोलेंगे कि यार पेटीएम से कैसे कोई बाइक को खरीद सकता है जो कि करीब करीब 4.25 लाख रुपये की है। तो हाँ, आप कैलकुलेट कर लेना कि कुल कितने पेटीएम के अकाउंट लगेंगे कि आप इस बाइक को खड़े खड़े वहीं पर ख़रीद सकते हो। कैलकुलेट कर लेना, गूगल पर देख लेना कि क्या लिमिट होती है एक पेटीएम के अकाउंट की, और देख लेना। तो जस्ट 15 से 20 मिनट लगे होंगे, मतलब मैं तो उनसे ऐसे कर रहा था कि भाई मैं खड़ा हूँ, आप गाड़ी दो, मैं घर जाऊँ, क्योंकि मेरा घर इस KTM आलमबाग से करीब 190 किलोमीटर है, मैं प्रतापगढ़ में रहता हूँ, ये लखनऊ में है। तो इस वजह से बहुत आसानी से मुझे ये बाइक मिली है सिर्फ 1 दिन के अंदर। वहीं BMW
मैंने आपको बता दिया। तो अगर BMW का रवैया सही रहा होता तो वो बाइक होती, लेकिन एक और चीज़ अच्छा हुआ नहीं लिया, क्योंकि उसकी YouTube पर कोई वैल्यू नहीं है, Instagram पे कोई वैल्यू नहीं है, कहीं पर भी कोई भी वैल्यू नहीं है भैया। कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी कोई वीडियोज़ अगर आपको दिखती होंगी जो पॉपुलर हो मुझे बता देना, मुझे कोट कर देना, मुझे लिंक भेज देना, मैं भी देख लूँ भाई कि कौन सा बंदा है जो BMW लेने के बाद थोड़ा सा फेमस हुआ हो, थोड़ा सा। खैर, इसके इंजन के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो यही वजह थी कि हमारे पास आज KTM की 390 ड्यूक है। सो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी सभी बाइक्स का। सो बाय बाय।